इंदौर के सदर बाजार में दिन पहले हुई चाकूबाजी की घटना में गंभीर रूप से घायल प्रिंटिंग प्रेस कारोबारी की इलाज के दौरान मौत हो गई, तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल घटना 25 जून देर रात की है, जहां सदर बाजार थाना क्षेत्र के अहिल्या पल्टन में प्रिंटिंग प्रेस कारोबारी 55 वर्षीय गजानन पूरिया के घर कुछ लोग पहुंचे और विवाद करने लगे। बातों बातों में विवाद इतना बढ़ गया कि गजानन पूरिया पर चाकू से हमला कर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल गजानन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। घटनाक्रम 25 तारीख को 12:05 का है या 12 बजे का है, 26 तारीख लग चुकी थी। ये विजय पिता मोहनलाल, देवांग पिता धर्मेंद्र, कार्तिक पिता धर्मेंद्र और संजय पिता मोहनलाल, ये पांचों जने घर पे आके विवाद करने लग गए। तो छोटा वाला भाई जो मेरे घर के ऊपर रहता है, 13 अहिल्या पल्टन मेन रोड में निवासी हूँ मैं, उसके बाद छोटा वाला भाई उनको समझाने गया तो पहले से ही प्लानिंग करके बैठे थे। विजय चिल्लाया, चाकू लेके आओ फटाफट और रिवॉल्वर लेके आओ। तो कार्तिक गया, दो चाकू लेके आया, इन लोगों ने चाकू हाथ में लिए, देवांग और विजय ने। कार्तिक, संजू और धर्मेंद्र, इन तीनों ने पकड़ा और इन दोनों ने वार करना चालू कर दिए। क्या नाम था मृतक का? गजानन पिता मदनलाल पुरिया। कितनी उम्र थी? 55-56 साल की थी। क्या काम करते थे ये? ये प्रिंटिंग प्रेस है इनकी, खजूरी बाजार में। ठीक है, क्या अस्पताल में भर्ती कराया था? चाकू लगने के बाद, वहाँ चाकू लगने के बाद फटाफट हम लेके गए। उसके बाद इन लोगों ने, बाद में खबर लगी हमको फोन पे, इन लोगों ने इनके दोस्त यारों को बुलाया और पूरे घर पे पथराव करा ऊपर। उपचार के दौरान क्या आज मौत हो गई? उपचार के दौरान पहले MBI में ऑपरेशन हुआ उनका, उसके बाद सुयस हॉस्पिटल हमने रेफर किया और वहाँ उपचार के दौरान। आपका नाम? अमृत लाल पुरिया। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।